चलें जी, तो आपने काफ़ी सारी थाईलैंड में पड थाई खाई होंगी, पाकिस्तान में भी पड थाई के नाम से कुछ अलू जलूल खा लिया होगा आपने, लेकिन आज आपको मैं काफ़ी ऑथेंटिक स्टाइल की पड थाई खिलाने जा रहा हूँ जो कि किंग पैलेस बैंकॉक के करीब है। और यहाँ की खूबसूरत लेडी जो हैं वो पड थाई बनाने लगी हैं, तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले जगह तो ढूंढ लूँ, पता चले इस खूबसूरती को इंजॉय करता रहूँ और जगह। ओके, तो अभी हम लोग क्या करने आए हैं, हम लोग खाने आए हैं पड थाई जो कि यहाँ पे फेमस है ग्रैंड पैलेस के पास। ठीक समय, हाँ ठीक समय, गला ख़राब हो रहा है क्योंकि बोलता बहुत हूँ यार मैं। और ये जो पड थाई ये थोड़ी एक्सपेंसिव है, तकरीबन 150 तक की जो बाहर मिल जाती है वो आपको मिल जाती है, मतलब 50 रुपये की 60 रुपये की। उसके अलावा कोकोनट का जूस भी इन सालों ने मुझे थोड़ा महंगा दे दिया, तकरीबन 80 का दे दिया जो कि पाकिस्तानी 500 का बनते हैं। अच्छा ये देखें, मतलब इनके बनाने के तरीके से पता चल रहा है। अच्छा सबसे पहले कि इतनी बड़ी क्वांटिटी में बना रहे हैं, और इस लड़की और लड़के के कपड़े देखें काफ़ी वाइट हैं। अगर ये हमारे मोहल्ले का शकूर गफूर बना रहे होते तो तकरीबन वो खुद लथपथ होते और उनके भी इसके अंदर लथपथ होते, लेकिन इन्होंने काफ़ी नीट एंड क्लीन तरीके से और सामने बना रहे हैं, यानी कि इन्होंने ग्लास लगा रहे हैं। ओके, तो अभी पैड थाई मेरी आ गई है जो कि मेरे सामने है। इन्होंने ऐप के अंदर फ्लिप करके दी है जो दिखने में बहुत ही अमेजिंग है। अब हम इसको क्या करेंगे, विदाउट टाइम वेस्ट की इसको ट्राई करेंगे। अच्छा मैं ना आपको थोड़ा सा ना करीब से दिखाता हूँ यार, झिंगों का साइज देखें, मतलब बहुत बड़ा, एक एक पाव का एक झिंगा डाल दिया इन्होंने ना। तो अभी मैं इसको ट्राई करूँगा यहाँ पे, और काफ़ी जूसी है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, यानी कि 10 में से अगर मैं नंबर देना चाहूँ तो 8 दूंगा, लेकिन फिर भी अमेजिंग है। बहुत ही स्ट्रीट फूड भी यहाँ के अच्छे हैं, लेकिन ये काफ़ी अच्छी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।